मोमिनपुरा स्थित सर्वे नंबर 19.2 की 13,400 वर्ग फीट जमीन कुछ सालों पूर्व मुस्लिम लाइब्रेरी संस्था को लीज पर आवंटित की गई थी। संस्था की ओर से अवैध रूप से जमीन का कुछ हिस्सा एमएलए कैंटीन को दिया गया, जबकि इसके लिए मनपा की ओर से अनुमति नहीं ली गई थी। कई वर्षों से संस्था की लीज भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मनपा की ओर से जमीन वापस नहीं ली गई, जिससे मनपा के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसी तरह मनपा की कई संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर दिया गया, जिससे संपूर्ण मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग विधि समिति सभापति धर्मपाल मेश्राम ने मनपा आयुक्त मुंडे से की। पत्र परिषद में उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में मनपा आयुक्त को 27 फरवरी को ही पत्र भेजकर जानकारी मांगी थी, किंतु जवाब नहीं दिया गया। अब उनके साथ हुई चर्चा के बाद जवाब देने की जानकारी तो दी, लेकिन इसकी समयावधि निश्चित नहीं बताई गई। जवळपास 26 तारखेला एक पत्र, 27ला दोन, 6 मार्चला एक आणि 11 मार्चला दोन अशी पत्र माननीय आयुक्तांना देऊन अनेक प्रश्नांची उत्तरं त्यांना लेखी स्वरूपात मी मागितली होती, परंतु ती मला कोणत्याही पद्धतीची उत्तरं माननीय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून मिळाली नाही, आणि त्यामुळं मग मी त्यांना 13 तारखेला पत्र देऊन प्रत्यक्ष भेटण्याची वेळ मागितली होती। त्यानुसार मला आज त्यांनी 3 वाजता भेटायला बोलवलं, जवळपास 20 ते 25 मिनटं चर्चा झाली, परंतु त्यांनी मला कोणत्याही माझ्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचं समाधानकारक उत्तर दिलेलं नाही। उन्होंने कहा कि हाल ही में एस बैंक में मनपा के लगभग 150 करोड़ रुपए फंसे होने का मामला उजागर हुआ है। इस संदर्भ में भी मनपा आयुक्त को पत्र भेजकर जानकारी मांगी थी, लेकिन इसकी भी जानकारी उजागर नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकुर के कार्यकाल में ही एस बैंक के साथ इस तरह का समझौता किया गया था, जिसे मनपा का निधि फंस गया है। एस बैंक में बचत, चालू और स्थायी जमा के रूप में कितनी निधि रखी गई, इसकी जानकारी उजागर करने की मांग भी उन्होंने की है। येस बैंक मध्ये जवळपास 150 करोड़ रुपये ठेवण्याचा विषय असेल, कोणत्या नियमांमुळे कोणाच्या शिफारसीने पैसे ठेवले, त्या पद्धतीची विचारणा मी केली, परंतु त्याचं देखील उत्तर माननीय आयुक्तांनी मला दिलेलं नाही। त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या मुंबईतल्या 4 आमदारांनी लक्षवेधी लावून जी प्रश्न उपस्थित केली, ज्या प्रश्नांच्या आधारावर लक्षवेधी लावली, त्या प्रश्नांच्या माहितीच्या संदर्भाने देखील मी माननीय आयुक्तांना जवळपास 15 दिवसापूर्वी पत्र दिलं, परंतु त्याची देखील माहिती मला अजूनही अद्याप अप्राप्त आहे। अनेक विषयांवरती चर्चा झाली, परंतु जेवढी काही लेखी स्वरूपात मी माननीय आयुक्तांना माहिती मागितली, त्यापैकी कोणत्याही पद्धतीची माहिती मला आयुक्तांनी दिलेली नाही। उन्होंने कहा कि कचरा संकलन के लिए इसके पूर्व एक कंपनी को काम सौंपा गया था, उस समय भी प्रतिदिन 1200 टन कचरा ही संकलित किया जाता था, जबकि वर्तमान में 1200 टन कचरे का ही संकलन किया जा रहा है। 10 सालों के बाद भी इस तरह कचरा संकलित होने के कारण नाप खोज को लेकर संदेहास्पद स्थिति बनी हुई है। नई कंपनियां एजी एनवायरो और बीवीजी कंपनी को टेंडर देने के बाद कंपनी के संचालकों और मनपा अधिकारियों के बीच समझौता किया जाना था, लेकिन इस तरह से समझौता नहीं किया गया, जबकि किसी जगताप एसोसिएट्स नामक कंपनी के माध्यम से ये समझौता किया गया है। पालिकेचे विश्वस्त आहेत आणि ते प्रशासनातले अधिकारी आहेत, विश्वस्तांनी घेतलेले निर्णयावरती एक्झिक्यूट करणं, त्याच्यात जर काही जुजबी दुरुस्तींची गरज असेल तर ती करणं तेवढीच त्यांची जबाबदारी आहे। त्याच्या पलीकडं या शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी सर्वसाधारण बॉडी म्हणजे महानगरपालिका आहे, आणि महानगरपालिकेचाच तो हक्क आणि अधिकार आहे। त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची गरज किंवा पद्धत किंवा जबाबदारी ही आयुक्तांची नाही। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।